नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल लेक्चरर न्यू यानी कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग, हालांकि ये वीडियो बहुत लेट हो चुका है, मैं किसी कारणवश आपके सामने ये वीडियो बहुत जल्दी नहीं बना पाया। एंड मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने इसकी नोटिफिकेशंस और इसमें जो भी गाइडलाइंस हैं कि कैसे कैसे इसको फिल करना है, क्या क्या क्वेरीज हैं जो आपको पूरी करनी है, उन सब विषयों पर बात ना करते हुए मैं सिंपली आपको अपना जो नया कोर्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम पीजीटी हिंदी जो स्कूल लेक्चरर न्यू है उसके रिगार्डिंग एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं क्या, हमने कर लिया है, जिसकी हमारी लगभग 10 से 15 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपने एनरोलमेंट करनी है तो आपने स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और साथ ही साथ अपने कोर्स का नाम इसमें आपने मेंशन कर देना है। अब बात आती है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीजीटी के एग्जाम में इस बारी जो हमारा पेपर हो रहा है वो दो पेपर्स उसमें रहेंगे। दूसरा पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, बल्कि उसी से ही आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनेगी। यानी कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल लेक्चरर न्यू जो आपका रहता है, जो +1 और +2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है उसके रिगार्डिंग ये पोस्टें आपकी निकली हैं। तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा जो मास्टरी चाहिए वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही चाहिए, और इसी बात को फोकस करते हुए इस बारी का जो पेपर है वो रखा गया है। और जो भी मेरिट आपकी बनेगी वो दूसरे पेपर के आधार पर ही बनेगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है देखना कि आपका जो पहला पेपर है उसकी रेलेवेंस बिल्कुल ही खत्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले पेपर में, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की, उसके बाद दूसरे पेपर की तरफ आएंगे। फर्स्ट पेपर में आप सब लोग जानते हैं 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेगा, और इसमें 15 नंबर का हिमाचल प्रदेश का जीके, 15 नंबर का जो जनरल स्टडीज और साथ ही साथ करंट अफेयर रहेगा, और कुल मिला के ये आपके 30 क्वेश्चन और 60 नंबर हो गए। इसके अलावा 20 नंबर की सामान्य हिंदी और 20 नंबर का सामान्य अंग्रेजी, जिसके आपको मुख्य मुख्य जानकारियां होना बहुत जरूरी है, या यूं कहें कि व्याकरणिक तौर पर आपको अंग्रेजी और हिंदी आना चाहिए। तो ये कुल मिला के आपके लगभग 100 मार्क्स बनते हैं। इनमें से आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं 50 में से, यानी कि आपको 35% जो है इसमें लाना है। अब 35 तो नहीं होगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 18 और 2 36, हालांकि नेगेटिव मार्किंग है। फिर आपको पहुंचना है कहां तक, 35 तक। मेरे कहने का मतलब यह है यहां पर कि आपको पहला पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। कब आपको पहले पेपर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया पहला पेपर। अब जो दूसरा पेपर है उसमें क्या चीजें रहने वाली हैं इस पर भी एक नजर दौड़ा देते हैं। देखिए, जो दूसरा पेपर आपका रहेगा, हालांकि उसका कोई भी सिलेबस अभी मेंशन नहीं किया गया है, और ये लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि आपको बताया गया था कि हम बहुत जल्द जो है वेबसाइट पर अपनी जो अपना जो सिलेबस है वो अपलोड कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ था। और कमोबेश वैसा ही सिलेबस रहता है देखना, जैसे कि आप सारे लोग पढ़ते हैं, अगर हमारा हिंदी से रिलेटेड है तो जो भी चीजें हिंदी में आती हैं, चाहे वो भाषा से रिलेटेड हो, चाहे वो साहित्य के इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे साहित्य से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपके आधुनिक काल से हो, आपका गद्य साहित्य हो, काव्य हो, आपका काव्य शास्त्र हो, हर जगह से आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि इसके पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं है। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है सर, क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो लिटरेचर जो आप शुरू से लेकर के आज तक पढ़ते आए हैं, जैसे आप पुराने पेपर में तैयारियां करते थे वैसे ही इस पेपर की तैयारियां कीजिए। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना है। आपको जो पुरानी चीजें हैं, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है तो लिखा है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आपको रहने वाले हैं, कोई दूसरी दुनिया से वो नहीं पूछे जाएंगे। तो जिसको भी सिलेबस के बारे में कोई डाउट है तो वो काइंडली, मतलब मैं ये कहूंगा बार बार कि आप सिलेबस के पीछे ना पड़िए, आपने जो अभी तक पढ़ा है वही पढ़ना है। अगर आप सिलेबस फिर भी चाहिए आप हमारी लाइव क्लास में आइए, वहां पर मैंने पूरा बताया है कि किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए आपको कैसे जो है वो कौन से टॉपिक्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके जो है वो सिलसिलेवार करके पढ़ने चाहिए। सिलेबस की बात ये होगी। अब बात ये आती है कि इस कोर्स में जो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसमें आपको लिटरेचर पूरा का पूरा रहेगा, और साथ ही साथ हम व्याकरण के ऊपर भी अपनी क्लासेस लगवाएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि एक साथ ही आपको पूरा कोर्स पहले रिकॉर्डेड दिया जाएगा और साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस भी इसमें चलती रहेंगी, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें जितने भी हमारे टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे, और
कुछ एक टेस्ट की आपको पीडीएफ भी इसमें मुहैया करवा दी जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस बैच में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारियां बहुत बेहतर हो, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर हमारी क्लासेस में एनरोल हो जाइए और अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि आपके पास समय जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम रिकॉर्डेड साथ में और लाइव क्लासेस आपको एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बात आती है कि इसकी प्राइस की कितनी है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हर तरफ जो है एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमारी क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद आपको जो लगता है वो आपकी इच्छा है, आपने करना है या नहीं करना है। हमारा जो टोटल प्राइस इसमें रहेगा 3000 पूरे कोर्स का, जो आपको अवेलेबल रहेगा आपके एग्जाम तक। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हुआ है अच्छा, तो हम उसके बाद भी आपको एक्सेस उसका दे देंगे, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी रखेंगे तभी आपका फायदा है, अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं है कि आपने पूरा कोर्स खरीद लिया, आप एक दिन आए, दो दिन नहीं आए, चार दिन बाद क्लासेस देख रहे हैं, तो ऐसे कभी भी आपकी पढ़ाई जो है वो नहीं होगी। तो ये तो बात होगी कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस कोर्स में रहने वाली हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट, सारी कुछ चीजें और पीपीटी की जो पीडीएफ है वो भी आपको मुहैया करवा दी जाएगी। आपको कोई भी अपने नोट्स अगर नहीं बनाने हैं तो आप उन्हीं पीपीटी से आप अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग नहीं आना चाहते लाइव क्लास में, उनके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने पीजीटी हिंदी का एग्जाम क्रैक करना है, लाइव क्लासेस भी नहीं लगा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी सारी चीजें, तो आप रेगुलरिटी के साथ किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए जिसने कंप्लीट करवाया हो। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक करवाया दूसरा छोड़ दिया, वैसे आपकी तैयारियां नहीं हो पाएंगी। अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, कोई कई बार क्या होता है कि एक यूट्यूबर ने अच्छा टॉपिक बताया होता है, दूसरे ने दूसरा टॉपिक अच्छा बताया होता है, तो वहां पर आपको इधर उधर भाग दौड़ तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन रेगुलरिटी के साथ अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, अब आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, इसलिए आप, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे वाली बुक है, उसको लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत हद तक जो है उससे क्लैरिटी हो जाती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको पढ़नी है। उसमें काव्यशास्त्र हो, चाहे आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो, उसकी सारी चीजें दे दी जाती हैं, व्याकरण उसमें दिया है, छंद अलंकारों के बारे में उसमें बात कही गई है, तो आप उसको पढ़िए एक बार, डेफिनेटली आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि एक बुक से पढ़ के नहीं होता है, तो मेरे कहने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है, देखना कि अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही बुक से हो जाएगा, तो यही बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। बताने को मैं आपको 10 भी बता सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ए ग्रेड का जॉब नहीं लेना है और ना ही ये जो आपका क्लास 1 की जॉब है, क्लास 3 की जॉब है, जहां पर आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है और जिस दर्द की जो दवा है वही खानी पड़ती है, तभी आप सही होते हैं। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है, देखना कि आप सिर्फ उस बुक को लीजिए, डेफिनेटली आपका जो ये एग्जाम है वो क्रैक होगा, लेकिन उस बुक को आप समराइज मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए एक प्रश्न है और कहां से किस लाइन से कौन सा प्रश्न बन जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी हर एक लाइन को कंठस्थ कर लीजिए, ये आपके काम आने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कुछ और चीज भी पढ़नी है हमने, तो कुछ भी यूजीसी नेट की एक आदि बुक ले लीजिए और आपका सही से हो जाएगा। हिंदी व्याकरण की हम बात करें, एचजी पब्लिकेशन का ग्रामर हमेशा बताया जाता है कि वो एक अच्छा व्याकरण है, तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हैं। लूसेंट सामान्य हिंदी उसको ले लीजिए, या लूसेंट हिंदी व्याकरण उसको लेना चाहते हैं तो वो भी आपके काम आ सकता है, लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण की क्लासेस हम अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस 3000 के कोर्स में नहीं रहेगा, ये बात आपको समझनी है। अगर पीजीटी के एग्जाम, ये कमीशन का जो एग्जाम होने जा रहा है, इसमें आप पहले पेपर के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बेफिक्र होकर हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। तो इतनी सी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ बतानी थी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फिर से ये चाहते हैं कि हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है लेकिन फिर भी आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसका पेपर निकल जाए, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर, हालांकि पीजीटी हिंदी के पीवाईक्यूज जो है आपको बहुत कम मिलेंगे,
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। आप पीजीटी कमीशन के एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज किस किस चीज के पढ़ेंगे? तो पहली चीज यूजीसी नेट जो आपका है उसके 2017 से पहले के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है ये आगे बताता हूं। और दूसरी चीज, इसके अलावा जितने भी आपके पास पीजीटी के जो पुराने पेपर हैं कमीशन के उनको रखिए, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सेट की जो परीक्षा हुई है हिंदी की उसके पुराने पेपर्स को लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी जो चीज आपके पास रहने वाली है वो है आपका कॉलेज कैडर हिंदी का जो पेपर हुआ है, एग्जैक्ट उस पेपर को पढ़ना है। डेफिनेटली आपका वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण जो आपको पूछा गया है उसके लिए आप लेटेस्ट वाला जो एग्जाम अभी हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर का हुआ है उसको देखिए। डेफिनेटली आपकी हिंदी और इंग्लिश का आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है यहां से पूछे जाते हैं। अब प्रश्न आपके सामने कौन कौन से हो गए, चार मैंने बता दिए, यूजीसी नेट, एचपी सेट और कॉलेज कैडर एंड साथ ही साथ पीजीटी के जो पुराने पेपर हैं इनको देखिए। अब सिर्फ और सिर्फ पेपर से आप कैसे पढ़ सकते हैं इस चीज को समझना है। देखिए आपके पास जितने भी पेपर हैं, मान लीजिए आपके पास 10 पेपर हैं, 100 क्वेश्चंस उसमें हैं। अब 100 क्वेश्चंस के आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि एक उसमें राइट आंसर है, उस राइट आंसर को अब नहीं पूछा जाएगा। अब जो है जो तीन ऑप्शंस आपके पास बचते हैं उन तीन ऑप्शंस पर फोकस कीजिए। डेफिनेटली जो है आपका बहुत सारा मटेरियल आपके पास हो जाएगा और वैसे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पूछा गया है पहला प्रश्न वो तो नहीं आएगा। हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये किसकी भूमिका के लिए लिखा गया था। तो जितने भी ऑप्शंस यहां पर दिए हैं, अब आप सब लोग जानते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर अब वो नहीं पढ़ना है, वो आपको आंसर मिल गया, वो दूसरी बारी नहीं पूछा जाएगा। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो और ऑप्शन वहां पर दिए हुए रहेंगे उनको आपको देखना है, डेफिनेटली वो आपका हेल्प करेगा। और ऐसे करके आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, उन्हीं तीन ऑप्शंस पर फोकस कीजिए, आपके पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा जहां से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वन लाइनर बना के भी याद रख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन खुद क्रिएट कर करके जो है आप अपना एक बहुत ही बेहतर कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दूसरी बुक लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसके लिए भी बुक्स चाहिए आपको, इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ सोर्सेस तो चाहिए कि आपने अगर एक बुक रखी है, दूसरी तरफ आप क्वेश्चंस पेपर को देख रहे हैं, फिर उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर आप रिसर्च करेंगे तभी तो आपका काम बनेगा। इसलिए बुक वहां पर भी जरूरी है, लेकिन राइट स्ट्रेटजी यही है कि क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें ये मॉक टेस्ट बना के दीजिए, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ यही चीज तो करते हैं और आपको थोड़ा बहुत मटेरियल वहां से दे देंगे, एक प्रश्न वहां से उठाया, दूसरा वहां से उठाया। लेकिन जब आप एक पेपर के आधार पर खुद एक मॉक टेस्ट बनाएंगे, डेफिनेटली आपकी खुद की जो समझ है वो विकसित होगी और आप उस तह तक पहुंच सकते हैं जहां तक एग्जामिनर जो है वो जाना चाहता है। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात आती है कि आपका जो पेपर है इसमें आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो फिर क्या। मान लीजिए अगर आपने, मैंने पहले भी कहा था कि आपके पहले पेपर की वेटेज जो है वो कब काम आएगी, अगर आपका दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है SAT, उसमें अगर कई बार क्या हो जाता है कि दो लोग या तीन लोग या चार लोग बराबर मार्क्स ले लेते हैं, तो ऐसे में पहले पेपर के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे और जो पहले पेपर में अच्छे मार्क्स लिया हुआ विद्यार्थी है उसको वहां पर कंसीडर किया जाएगा और जिसके पहले पेपर में कम होंगे उसको निग्लेक्ट किया जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि पहला पेपर पहले तो क्वालिफाइंग है, इन केस अगर दूसरे पेपर में बहुत सारे लोग जो है एक ही स्कोर में आके अटक जाते हैं तो फिर पहले पेपर का स्कोर चेक होगा। अब अगर पहले पेपर में भी वो दोनों सेम ही स्कोर के पास हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, ऐसी स्थिति में आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है पहले का उसको देखा जाएगा, अगर वो भी बराबर होता है तो फिर आपकी एज को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इतना नीचे तक जाने की संभावना ही नहीं है, आपको पहले पेपर पर फोकस साथ साथ में करते रहना है और दूसरे पेपर पर भी फोकस करना है। इसके अलावा आखिरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप HP सेट या UGC नेट हिंदी की तैयारियां भी कर रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर WhatsApp में जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज साझा करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर एक बार फिर से मैं कहूंगा,
अगर आप चाहते हैं कि आपने सही तरीके से राइट स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारियां करनी है तो डेफिनेटली हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, जहां पर मैं खुद आपको पढ़ाता हूं और साथ ही साथ पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इस पेपर को बहुत ही आसानी और बहुत ही बेहतर तरीके से पास कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।